सुबह सुबह उठा हूँ, 7:30 बज रहे हैं, मेरे लिए सुबह सुबह है, बहुत सुबह है। जरीज के यूके वीज़ा सेंटर जाना है, मुझे पता नहीं मेरा पासपोर्ट लग गया कि नहीं लगा, लेकिन अगर लग गया तो बड़ी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है आपको सुनानी है, तो पासपोर्ट रिसीव करने के बाद मिलते हैं। बैन अल-अक़वामी शिनाख्त के लिए हमें दिया जाता है ये एक बुक जिसको कहते हैं हम पासपोर्ट। इसके अंदर है एक इजाज़त नामा जो मुझे मिल गया है आज सुबह। अच्छा जी, तो लगता है कि पाकिस्तान के 2 वर्ल्ड कप मैचेस में देखने यूके जा रहा हूँ, एक बर्मिंघम में और एक लॉर्ड्स में, एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है, एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है। और मैं लगता का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा जो तजर्बा रहा है PSL में, जहाँ पे मुझे 5 फ़र्क ऑफर्स आई थी जाके PSL देखने की, मैंने सोचा कि यार दुबई में जाके प्लेयर्स के साथ पार्टी करूँगा, लेकिन उनमें से कुछ भी काम नहीं किया। ये देखें कोई फुटेज बची कुची मेरे पास पहले की पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन के रास्ते में मैंने 24 घंटे के लिए दुबई के अंदर एक स्टॉप ओवर लिया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एक कप चाय जलमी की टीम के साथ पीने की। तो आइए, आपका मेज़बान मुरू, एक कप चाय और जलमी। अगर ये टेक देते वक्त मैं जानता कि जलमी की टीम के साथ एक कप चाय तो क्या मैं उनका मैच तक ना देख पाऊंगा, तो शायद मैं इतनी ज़्यादा टेक्स ना देता। उस वक्त मुझे डर था कि अगर लोगों को मेरी असलियत का पता चल गया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और क्या पता चैनल से भी अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैं PSL के व्यूज़ की लालच में आ चुका था और शायद अगर ये जानता कि वो भी ना आएंगे तो इतनी टेक्स एक जुमले की बार बार ना देता। रूपा जी कॉल आई आज आपको, उन्होंने कहा आज वो करेंगे हर हाल में कॉल। सो बेसिकली वांट्स यू टू बी देयर ऑफिशियल व्लॉगर फॉर PSL। लॉजिंग एंड योर टिकट विल बी पेड फॉर। 13th नाइट को मेरा एक कॉन्सर्ट है, 14th को मैं अवेलेबल हूँ। फ्लाइट ऑफ एमिरेट्स, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिजनेस पे मैं वो करवा दूँ आपका। लेट मी गेट यू अपग्रेडेड ऑन एमिरेट्स। इफ वी गेट अ व्लॉग वी गेट अ व्लॉग, इफ वी डोंट एंजॉय द बिजनेस क्लास। इसमें से कुछ भी ना हो पाया और दोस्तों ने भी अपने व्लॉग्स में मेरा मजाक उड़ाया। That's great news. Normally ये काम मुरु करता है। Yeah, wasn't he supposed to do this for us? मुझे बात तो हुई थी। नहीं नहीं नहीं, मैं I think I'll do a better job. So I'll leave it to me, हाँ? You sure? Yeah. मतलब कि मर्फी का लॉ अपने असर में था कि जो बुरा हो सकता है होएगा और ऐसा ही हुआ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं लाहौर कैलेंडर्स को सपोर्ट करता आ रहा था। मेरे पीछे इस वक्त हसन अली खड़े हैं जिनने कल लाहौर कैलेंडर्स उनकी वजह से हारे, ने 4 विकेट्स ली थी। उनके पोस्चर से तो ऐसे लग रहा है कि वो नहीं चाहते कोई आके उनसे मिले। जाहिर ही बात है मेरे ख्याल से पिछले 5-6 दिनों में वो बहुत से लोगों से मिले होंगे और सर खप भी जाता है लोगों का, तो मैं थोड़ा सा अपना डिस्टेंस रख रहा हूँ। हसन अली से भी मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन जब मैंने उनका अंदाज़ देखा ना तो मेरी तो टांगे ही कांप गई। अभी मेरे साइड से गुजरने वाले क्रेजी बॉलर। वहाब भाई आने वाले हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि वहाब भाई बड़े अग्रेसिव हैं और वो अगर गुस्सा हो जाए ना तो बच के रहना, फास्ट बॉलर है, अगर उसने खिंच के मुझे चंड मारी ना तो मेरा तो बूथा ही उतर जाएगा। तो लो जी, वहाब रियाज से इंटरव्यू लेना था, उनसे सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, लेकिन जैसे ही उनने स्पॉन्सर को देखा सेट पर तो कट गए। नहीं हुए गुस्सा, बस चले गए, हंसते हंसते चले गए। अच्छा मिजाज था, लोगों ने मुझे बहुत डराया हुआ था, लोगों की हर बात अब सच्ची नहीं होती। लगता है स्पॉन्सर ने उनको पैसे नहीं दिए हुए थे। पता नहीं है ना, इतना ज़्यादा शर्मा रहा हूँ, तो मैं आपको दूर दूर से ही दिखाऊंगा प्लेयर्स। शर्ट के पीछे से मैंने नाम पढ़ लिए, जमाल और इब्तिसाम आए हैं। साथ में यंग टैलेंटेड गूगली बॉलर इब्तिसाम शेख से भी मुलाकात हुई। आप लोगों ने मेरी बड़ी फेवरेट टीम को हराया। मैं लाहौरी तो हूँ लेकिन अब कलंदर नहीं रह रहा आहिस्ता। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो हो सकता है आप बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। चले सर, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मगर कुछ बन नहीं पाया इन चीज़ों का। नाटक तो मैं अच्छा कर रहा था मगर आप लोगों को जान के अफसोस होगा कि उस दिन से पहले मुझे इस नेशनल हीरो के बारे में कोई मालूमात ना थी। मेरी क्रिकेट से जुदाई बचपन में हुई, T20s की आमद से पहले की बात है। मुझे याद है वो आखिरी मैच जो मैंने देखने की कोशिश की, बहुत लंबा लगा तो बीच में ही सो गया, लांती किरदार, तब मुझे शर्म नहीं आती थी। आए जी ICC एकेडमी, लोगों की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, उल्तान सुल्तान भी आए हुए हैं, पिशावर जलमी भी आए हुए हैं। सोचो कितने ग्रेट प्लेयर्स ने यहाँ पे पैर रखे होंगे, कितने लेजेंड्स के पैर इस जमीन के साथ रगड़े होंगे।
सोचता हूँ अगर मैं चाटूँ तो शायद उनकी ग्रेटनेस मुझ में भी आ जाए। तो प्रैक्टिस रेंज पे एक पुराना दोस्त हैदर से मिला। उसने अपनी कुछ PSL की प्रेडिक्शंस मेरे साथ शेयर की, विच एंडेड अप कमिंग ट्रू। He knows his shit. मैंने उनके सोशल मीडिया के एसेट्स यहाँ पे अटैच कर दिए, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे दोस्त हैं हैदर अज़र, ही इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ मुल्तान सुल्तान। बट हाउ इज़ योर टीम डूइंग? व्हेन लाला इज गोइंग द वे ही इज़ गोइंग एंड शुएब मलिक इज़ प्लेइंग द वे ही इज़ ऑलवेज प्लेड, सो लेजेंड। Who do you think is going to win apart from like your allegiance to this team? So I think Quetta has to be the strongest team. He also helped me get through to the practice range in the PSL. लेकिन जैसे ही उनको वहाँ पे पता चला कि मैं किसी स्पॉन्सर के थ्रू आया हूँ, तो जलील करके बाहर निकाल दिया। अजीब दुनिया है, कभी बहुत इज्जत देती है, कई दफ़ा फुल जलील और बिस्त करके बाहर निकाल देती है। इंटेंस सिक्योरिटी चल रही है, सीरियस किस्म की प्रैक्टिस चल रही है, और मेरे जैसा मस्खरा अंदर घुस के अपनी व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मगर कुछ अच्छी शॉट्स मिल गई हैं। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, अपने साथ आपको लेके जाता हूँ, तेरी जाल से जो बॉल निकलती है और मेरे हाथ से तू फेंटा जाता है। मेरे से बड़ी बू आ रही है इस वक्त, मगर क्रिकेटर से भी तो आई रही होगी अगर पसीनों वाला सीन है। सो आई फील राइट एट होम। खैर बाहर निकला तो उमैद आसिफ से मुलाकात हुई, बड़े गुड गाय यार। सर कैसा मजा आ रहा है? बेहतरीन, आपसे मिलकर ज्यादा मजा आ रहा है। अरे सर क्या बात है। और क्या इम्कान आते हैं? इम्कान जो लास्ट नाइट थे, जो लास्ट नाइट थे, वो तो बहुत ही अच्छे इम्कान। यार आप यकीन करो, इतनी शर्म मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आई के प्लेयर्स हैं टीम के मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर घर जा के रिसर्च करूँगा। ये होता है ना बुरी रिसर्च, और ऊपर से पूरी ज़िंदगी ना क्रिकेट देखना, और एक लिहाज से पाकिस्तानी ना होना इस मामले में, यकीन करो बहुत शर्म आ रही है। PSL के इन बुरे तजर्बात का इल्ज़ाम किसी और पे भी लगाया जा सकता है, मगर मैं अपने आप पे लेना पसंद करता हूँ। जब मैंने ही क्रिकेट को कभी कुछ दिया नहीं, तो क्रिकेट मुझे क्यों कुछ दे? 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान हारता रहा, तो मैंने क्रिकेट को देखना ही छोड़ दिया। मैं क्रिकेट से सिर्फ अपने जीत का तसव्वुर चाहता था। यह मेरी खुदगर्जी की इंतहा थी कि मैं अपनी टीम को हारते हुए नहीं देख सकता था, हालांकि ये खेल है और इसमें जीत और हार तो होती रहती है। मगर जब प्लेयर्स को मैंने करीब से PSL में प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो कुछ बारीकियां क्रिकेट की सामने आने लगी और मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे कि ये गेम कहां से आई और इसने किस तरह हम पाकिस्तानियों को यूनाइट कर दिया है कि तालिबान भी पाकिस्तान का मैच देखते हैं और जब पाकिस्तान जीतता है तो अपनी बंदूकों से गोलियां चला के जश्न भी मनाते हैं। अभी तो इंडिया की टीम बहुत हार्ड आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी को क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद थी? स्पोर्ट इंडल्ज्ड इन फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग द बॉडी इज ऑफ सम यूज, बट वी वेंचर टू सजेस्ट दैट एग्रीकल्चर इज बेटर स्पोर्ट देन फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल अदर गेम्स पुट टुगेदर। दूसरी तरफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिला को क्रिकेट बहुत पसंद थी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के साथ चलती थी। पाकिस्तान के पहले अच्छे क्रिकेटर्स इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब कि लाहौर है। खवातीन की भी क्रिकेट में काफ़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, मतलब कि खान सिस्टर्स फॉर्म द फर्स्ट क्रिकेट टीम इन पाकिस्तान। उनके वालिद साहब एक कारपेट की फैक्ट्री चलाते थे और 1965 में उनको एयरप्लेन पर ट्रैवल करने से मना कर दिया गया था क्रिकेट की वजह से। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान ने अपना पहला क्रिकेटर 1971 में प्रोड्यूस किया था। अजीब है तारीख, वो कैसा पाकिस्तानी जिसको क्रिकेट ही ना पसंद हो। ये मुकाबले की खेल इंसान अपने साथ शिकार से लाया है, मतलब कि आप एक प्रोजेक्ट आयल एक निशाने पे फेंक रहे होते हैं और अब अपनी टीम को दर्जों में बांट देते हैं इसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपने एक सेइंग सुनी होगी, इट डजंट मैटर वेदर यू विन और लूज, इट्स हाउ यू प्ले द गेम। क्योंकि एक खिलाड़ी सिर्फ एक मैच के लिए नहीं खेल रहा होता, पूरी चैंपियनशिप के लिए खेल रहे होते हैं और उनकी नज़र पूरी टीम पर होती है, और एक अच्छा प्लेयर इसलिए खेलते हैं ताकि दूसरों की गेम भी डेवलप करें। तो शॉर्ट टर्म में तो आप रन्स के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्लेयर एक्सेलेंस के लिए खेल रहा होता है, अपनी गेम की महारत के लिए खेल रहा होता है, और ये जब महारत कोई प्लेयर हासिल कर लेता है तो फिर उसको देखने में भी लुत्फ आता है। अब मुझे ये समझ आने लगी है कि खेल में दुनिया के असूल एक छोटे पैमाने में डाल दिए गए हैं। इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ रियलिटी, मतलब कि स्पोर्ट्स के जरिए इंसान लोगों के साथ जीने के सबक सीखता है। कभी आप किसी चीटर के साथ बिजनेस में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, जारी बात है, क्योंकि वो जीतने के लिए खेल रहा है, वो एक्सेलेंस के लिए नहीं खेल रहा। और लॉन्ग टर्म में आप मैचेस के लिए नहीं खेल रहे होते, आप चैंपियनशिप के लिए खेल रहे होते हैं। और ज़िंदगी भी ऐसी ही है, क्योंकि जो इंसान चीटिंग कर रहा है उसके साथ कोई आके फिर से खेलेगा भी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गेम भी बुरी हो जाएगी। हालांकि जो इंसान चीटिंग नहीं कर रहा उसके साथ लोग आके खेलते रहेंगे, और जब वो खेलता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होता जाएगा और अपने पोटेंशियल तक पहुँच जाए। अब आप हर बॉल पर छक्का तो नहीं मार सकते, लेकिन आपको हर बॉल खेलने की कोशिश तो करनी पड़ती है।
तो क्रिकेट से तो मैंने यही सीखा है जिंदगी के बारे में कि बस खेलते रहो। पिछले मैच में हम हारे हैं उसमें हमें क्या सीख ली हमने और क्या क्या चीजें दो तीन इंप्रूवमेंट आप बताएं। मैं ये समझता हूँ बैट्समैन को थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और स्पेशली फील्डर्स को, क्योंकि देखें बॉलर तभी बचाएगा जब फील्डर सपोर्ट करेंगे। अगर एक बॉलर आउट, मतलब एक मिसाल है ना कि कैच निकलता है और आप दो कैच छोड़ देते हैं, तो उसमें बॉलर की कोई गलती नहीं है। दो कैच छूटने के बाद बॉलर चार चौके ही खाएगा, जो आमिर के साथ बहुत एग्जैक्टली। प्लस जब बैटिंग साइड पे अगर आप आ जाएं तो बैटिंग डिपार्टमेंट में हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जैसे बाबर है, बाबर काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है, कल जिस तरह उसने बैटिंग किए, थोड़े से रन किए लेकिन एक क्लास नज़र आ रही थी। और इसी तरह इमाम, हफीज़ भाई, सरफराज खुद अच्छी फॉर्म में, लेकिन आसिफ अली को एक दो मैचेस आप देख लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिनिशर कोई अच्छा है नहीं पाकिस्तान टीम में, तो उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उसको कॉन्फिडेंस दें। वो बेचारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी हाल ही में उसकी बेटी का भी डेथ हुई है, तो हो सकता है वो उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट भी हो या अंदर अंदर उसको कुछ डिप्रेशन भी हो, लेकिन उसको बैक करें और उसको सपोर्ट करें तो वो काफ़ी क्रूशल हो सकता है हमारे लिए। कोई एक बैट्समैन कम करके आप एक प्रॉपर स्पिनर डाल देते हैं, जैसे शहदाब एक प्रॉपर स्पिनर भी है और साथ वो बैटिंग भी कर लेता है, तो आप किसी भी एक बैट्समैन को आप ड्रॉप कर सकते थे और ड्रॉप कर करने के साथ साथ आप प्रॉपर पांच बॉलर से जाते तो काफ़ी बेहतर हो सकता था। ये एक मेरी ओपिनियन, लेकिन बाकी बात वही आ जाती है कि टीम मैनेजमेंट ने पिच रीड की होगी, कप्तान ने की होगी, कोच ने की होगी, तो उन्होंने अपना फैसला किया है, उस फैसले को हमें बैक करना चाहिए, सिंपल इज दैट। यार आज कोई वहाब रियाज ने बॉलिंग कराई है, कुछ स्टंप कराया उसने? स्टंप नहीं होता, बोल्ड होता है मुरू भाई, इसीलिए तो तुम हो ना, तो बताओ तो इनको कि तुम क्या कर रहे हो। मैं मोइस काजी हूँ और मैं यूट्यूबर हूँ, बनना मैंने जो है वो क्रिकेटर था लेकिन मैं बन गया फिल्म मेकर, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन दोनों फील्ड्स को मिला के कोई खूबसूरत सी चीज़ निकाली जाए। और मोइस हमारे आने वाले व्लॉग्स के अंदर अपना मैच एनालिसिस पेश कर रहे होंगे, तो मोइस के मैंने अपने भी यूट्यूब पेज की लिंक नीचे अटैच कर दिया, डू फॉलो हिम। मोइस तो यहाँ से मैच एनालिसिस कर रहा होगा, मैं लॉर्ड्स में बैठा होगा। हाँ मोइस, अल्लाह करे तुम्हें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के फ़र्क ही समझना है, दोनों का सेम कॉस्ट्यूम है। ओ कॉस्ट्यूम सेम है? एग्जैक्टली सेम। मुझे वहाब रियाज का पोस्चर समझ आ जाता है, मैं दूर से पहचान लूंगा। एचएसएन वांडा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग द व्लॉग्स टुगेदर। या मी टू रियली एक्साइटेड। मुरु आउट।